ओके गाइस, मेरे प्रीव्यू वीडियो पर देखे थे किस टाइप से यहाँ पे इमेज को एआई में कन्वर्ट किया हुआ देख सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर सिंपली इमेज को किस टाइप से यहाँ पे एआई में कार्टून वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है, लाइक उस टाइप से वन क्लिक के अंदर आप यहाँ पे अपने इमेज को कार्टून वीडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आप सबको कार्टून वीडियो में इमेज को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। वन क्लिक के अंदर एआई में रील्स को एडिटिंग करना सिखाऊंगा। आप सबको इमेज को यहाँ पे एडिटिंग करना सिखाऊंगा। इमेज को किस टाइप से आप यहाँ पे अपने रील्स में किस टाइप से अपने इमेज में यहाँ पे अपने कार्टून वीडियो को आप इन्हांस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं सारा यहाँ पे बताऊंगा किस टाइप से अपने यहाँ पे लो क्वालिटी को आप यहाँ पे इन्हांस यहाँ पे हाई क्वालिटी में आज आप इंक्रीज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आप सबको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे एक वीडियो के अंदर आप सबको यहाँ पे फुल यहाँ पे ट्यूटोरियल दूंगा किस टाइप से आप यहाँ पे अपने यहाँ पे इमेज में कार्टून वीडियो एडिटिंग करके कार्टून इमेज एडिटिंग करके आप यहाँ पे अपने इमेज को किस टाइप से यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो। HD में यहाँ पे अल्ट्रा HD में किस टाइप से अपने रील्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, अपने इमेज को एडिटिंग कर सकते हो। तो सिंपली वीडियो को चलते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो लाइक वीडियो को एडिटिंग करने के लिए, इमेज को एडिट जनरेट करने के लिए आप सबको प्रीटी एप्लीकेशन है। सिंपली इसको आप सबको इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लाइक आप सबको इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। लाइक इसको ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली इसका इंटरफेस खुलने को कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। लाइक आप सबको स्टार्ट पर टैप कर देना है। लाइक स्टार्ट पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली इस टाइप से शो होगा। उसके बाद जो आप यहाँ पे अपने इमेज को एडिटिंग करना चाहते हो, सिंपली उस वाले को आप सबको ऐड करना है। मैं अपने उस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। सिंपली मैं अपने इमेज को ऐड करता हूँ। लाइक ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको सिंपली सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। तो लाइक क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए आप सबको यहाँ पे एक यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सबको क्वालिटी पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आप सबको यहाँ पे HD रेस्टोर सिंपली इस पर आप सबको क्लिक कर देना है। लाइक इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री को बोलेगा, तो आप सबको यहाँ पे एग्री पर टैप कर देना। लाइक एग्री पर टैप हो जाने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे इमेज यहाँ पे इन्हांस हो जाएगा, यहाँ पे हाई क्वालिटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस में, तो आप सबको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो वन क्लिक के अंदर ये इमेज यहाँ पे मेरे यहाँ पे HD क्वालिटी में ये इन्हांस हो रहा है, यहाँ पे इमेज जनरेट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप सबको कुछ सेकंड वेट करना है। लाइक वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे आफ्टर और बिफोर किस टाइप से मेरे यहाँ पे एक प्रोफेशनल टाइप से इमेज भी इन्हांस हो चुका है। तो इस टाइप से अपने यहाँ पे इमेज को फर्स्ट में यहाँ पे इन्हांस करना है। इन्हांस हो जाने के बाद ऊपर पे एक यहाँ पे रेड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सबको इसको सेव करना है। इसको सेव हो जाने के बाद हम लोग इस इमेज को कार्टून वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक कार्टून में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको यहाँ पे एआई में कन्वर्ट करने के लिए स्क्रॉल करना कुछ इस टाइप से। लाइक स्क्रॉल करने के बाद एक यहाँ पे एआई फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सबको एआई फिल्टर पर टैप कर देना है। लाइक एआई फिल्टर पर टैप हो जाने के बाद कुछ आपके स्क्रीन पे इस टाइप से शो होगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे बहुत सारे फ्री भी मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे पेड भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पेड भी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, सिंपली ये सब पेड है। तो आप सबको यहाँ पे रील्स को एडिटिंग करने के लिए, अपने इमेज को जनरेट करने के लिए आप सबको यहाँ पे एक ब्यूटी आर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे कार्टून यहाँ पे इफेक्ट लोडिंग लेगा, तो आप सबको वेट करना है। वेट यहाँ पे हो जाने के बाद देख सकते हो ये पूरी तरह से यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे ये फेस कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से मेरे यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, सिंपली मैं यहाँ पे अपने इस टाइप से अपने यहाँ पे इमेज को जनरेट कर लिया कुछ इस टाइप से। आप सबको यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर बिफोर का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, पहले इस टाइप से था, अब यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। तो सिंपली इस टाइप से आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक कार्टून का भी इफेक्ट मिल जाएगा, लाइक आप इसको भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आप सबको फिल्टर मिल जाएंगे, तो लाइक आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आप सबको देखने को मिल जाएगा, तो लाइक उसको भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी फिल्टर आप सबको अच्छा लगेगा दिखने में, सिंपली वो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फिल्टर यहाँ पे देखने में नया सही लग रहा है, तो आप सबको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक फिर से यहाँ पे ब्यूटी आर्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ बहुत सारे आप सबको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो लाइक आप सबको जो अच्छा लगता है दिखने में, सिंपली वो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसमें पेड है, बहुत सारे ये फ्री है। तो सिंपली हम लोग इसी इमेज को रहने देते हैं। तो लाइक यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप सब यहाँ पे ऊपर पर एक रेड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सबको यहाँ पे रेड पर टैप कर देना है। लाइक रेड पर टैप हो जाने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आप इसमें जो भी आप ऐड करना चाहते हो बलर वगैरह, तो आप इसमें बलर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आप सबको जो अच्छा लगेगा दिखने में, सिंपली वो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो इसको बलर बनाना चाहते हो, सिंपली इसको आप यहाँ पे अपने बलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लैंड वगैरह आप जो भी यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहते हो, सिंपली वो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो
तो आप सबको जो अच्छा लगेगा दिखने में, जो फोटो पे सूट करेगा वो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे पहले से रहने देता जिस टैप से था वो, उस टैप से उसके बाद फिर से राइट पर टैप कर देना। लाइक राइट पर टैप हो जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इसमें ऑप्शन खुलने को दिख जाएगा। लाइक इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पे एक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो लाइक आप सबको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर पे यहाँ पे एक्सपोर्ट पर टैप करना है। तो लाइक एक्सपोर्ट पर टैप हो जाने के बाद तो मेरे को यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह से मेरा यहाँ पे वीडियो सेव हो चुका है। तो इस टैप से वन क्लिक के अंदर आप यहाँ पे प्रीटी अप एप्लीकेशन की मदद से आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे सेव का आइकन दिख जाएगा। लाइक आप सबको सेव पर टैप करना, ये आपके गैलरी में सेव अगेन पर क्लिक करने के बाद ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा।